हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 4 का वर्कशीट नंबर 5। तो इससे पहले के चैप्टर का वर्कशीट सारा मैं करवा चुकी हूँ और बाकी सब्जेक्ट एसएसटी साइंस वगैरह के भी सॉल्यूशन और एक्सप्लेन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारा है, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट में क्या है, अंजलि स्पेंट 1/5 ऑफ हर पॉकेट मनी। उसकी जो पॉकेट मनी थी उसका 1/5 जो है उसने कॉमिक्स के ऊपर खर्च किया और उस मनी का 3/4 स्वीट्स के ऊपर खर्च किया। हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंट ऑल टुगेदर, यानी कि उसने सारा मिलाकर कितना खर्च किया अपने पॉकेट मनी का, ऑल टुगेदर यानी सब मिलाकर के। सब मिलाकर यानी कि इन दोनों को क्या करना है, हमें मिला देना है यानी कि ऐड कर देना है कि इसने कॉमिक्स पर इतना खर्च किया और स्वीट्स पर इतना खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च किया दोनों को हम ऐड देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको इस तरह से स्टेटमेंट लिख लेना है आपको, मनी स्पेंड ऑन कॉमिक्स 1/5, मनी स्पेंड ऑन स्वीट्स 3/4। सो टोटल मनी स्पेंड, तो टोटल कितना मनी स्पेंड हुआ हमारा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/5 प्लस 3/4। 1/5 प्लस 3/4 को हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। तो 5/4 का एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 टाइम्स में होगा, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 19/20। तो इसने टोटल जो मनी स्पेंड किया वो कितना किया, 19/20 रुपीज़। नेक्स्ट बी, इन ए हाई जंप कॉन्टेस्ट, एक हाई जंप यानी कि ऊंचा जंप करने वाला कॉन्टेस्ट था, इसमें रमेश जंप्ड 3 होल 8/9 मीटर एंड राकेश जंप्ड 4 होल 1/3। राकेश ने कितना जंप किया, 4 होल 1/3 मीटर। तो एक जंप कॉन्टेस्ट में रमेश ने इतना जंप किया और राकेश ने इतना जंप किया। हु जंप्ड मोर हाइट एंड बाय हाउ मच, तो किसने ज़्यादा किया और कितना ज़्यादा किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि राकेश ने जंप किया 4 और रमेश ने जंप किया 4 और राकेश ने जंप किया 2, तो किसने ज़्यादा किया, तो आप देख सकते हैं 4 इसने ज़्यादा किया, लेकिन जो 4 ज़्यादा किया तो 2 से कितना ज़्यादा है ये, तो इसको इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 2 मीटर ज़्यादा किया। तो उसी तरह से इसका हमें जब निकालना है ये कि किसने कितना ज़्यादा जंप किया है और कौन ज़्यादा जंप किया है, तो इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए रमेश जंप्ड, रमेश ने कितना जंप किया, 3 होल 8/9, और राकेश जंप्ड, तो राकेश ने कितना जंप किया, 4 होल 1/3। तो ये दोनों कैसे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इनको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 27 और 8 हो जाएगा 35/9 और ये हो जाएगा 4 × 12 = 13/3 मीटर में है, यहाँ मीटर लिख देंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि किसने कितना किया। तो आप याद करिए जो आपने वर्कशीट 1 और 2 में कंपैरिजन सीखा था, वर्कशीट 2 में, वो उस तरह से आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। 35/9 और दूसरा हो गया 13/3। तो हमने कैसे किया था कंपैरिजन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही। तो इसका वैल्यू कौन सा होगा, जो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 3 और दूसरा हमारा हो जाएगा 9 × 13। तो 35 यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया 35 × 3, तो जो इसका वैल्यू होगा वो इस वाले फ्रैक्शन का वैल्यू होगा। 35 × 3 हमारा हो जाता है 105 और 9 × 13 हो जाता है 117। तो ये हमारा 100 जो फर्स्ट फ्रैक्शन हुआ उसका ये वैल्यू है और सेकंड फ्रैक्शन का सेकंड वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा है, तो सेकेंड वाला हमारा ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो 12 मीटर ज़्यादा है, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। लेकिन आपको यहाँ पे इस मेथड से नहीं करना है, ये तो बहुत आसान मेथड है, ये मैंने आपको बताया ऐसे समझाने के लिए। आपको क्या करना है, 35/9 - 13/3 इस तरह से करना है और इनका एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। तो 9 और 3 इन दोनों का एलसीएम हमारा 9 हो जाएगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ 35 × 1 = 35। -3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 × 9 होता है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 जो हमारा है 13 × 3 मारा जाता है क्या, 39। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इधर वाला फ्रैक्शन है ये बड़ा आ रहा है, ये 35 और ये 39 है। इसका मतलब क्या है कि हमें 13/3 में से 35/9 को माइनस करना है। 13/3 - 35/9, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा
और जब यहाँ थ्री इसको करेंगे तो ये 39 और माइनस यहाँ पे हमारा 35 होगा, तो आ जाएगा हमारा 4/9। तो कितना ज़्यादा जंप करता है? 4/9 मीटर। लेकिन कौन ज़्यादा है? जिसका फ्रैक्शन 13/3 है। 13/3 किसका फ्रैक्शन है? तो देखिए यहाँ पे राकेश का जो जंप किया है, जो उसका फ्रैक्शन है ये हमारा 13/3 वैल्यू है उसकी, तो यही ज़्यादा जंप करता है। क्योंकि हमने जब यहाँ निकाला तो देखिए ये बड़ा आया था, तो हम इसको उल्टा माइनस नहीं कर सकते हैं 35 में से 39 को। तो इसका तो यहाँ पे हमने जब ऐसा सॉल्व किया तो हमें ये समझ में आया ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो हमने फिर इसको इधर से माइनस किया, यानी कि ये ज़्यादा जंप करता है। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि किसने कौन ज़्यादा करता है, तो कैसे कह सकते हैं हम किस में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर नंबर्स होते कि 25 और 20 तो हम जान जाते कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है इसमें इसका आपका आंसर 4/9 होगा। तो राकेश ने 4/9 मीटर ज़्यादा जंप किया रमेश से, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इस तरह, सो राकेश जंप्ड मोर बाय 4/9 मीटर। देखिए जब हमने ये कंपैरिजन वाला किया था ना, तो हमारा सेकंड फ्रैक्शन का वैल्यू जो आया था 117, यानी कि ये बड़ा था हमारा, यानी कि ये वाला हमारा फ्रैक्शन बड़ा था 13/3, यहीं पर हमने नोटिस नहीं किया और आगे यहाँ पे ये वाली मिस्टेक कर दी। तो ये नहीं करना है आपको, ये मेरा मुझसे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जब हमने कंपैरिजन किया तो इसी से हमने निकाल लिया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा था क्योंकि इसका वैल्यू क्या था, 117 था। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर सी, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान सोनल स्टडीड, सोनल ने पढ़ाई किया कितना, 3 whole 1/2 आवर्स वो पढ़ाई करी। सी स्टडीज साइंस फॉर 1 whole 1/4 आवर्स एंड मैथमेटिक्स फॉर रेस्ट ऑफ द आवर्स। देखिए टोटल उसने इतना पढ़ाई किया, टोटल कितना पढ़ाई किया, 3 whole 1/2, और उसमें से साइंस इतना पढ़ा उसने, तो मैथ्स जो बाकी जो बचा वो क्या पढ़ा, मैथ्स पढ़ा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो टोटल था टाइम था, मान लीजिए टोटल टाइम उसने 4 आवर पढ़ाई की, उसमें से 1 आवर उसने साइंस पढ़ा, तो जो बचा टाइम है वो मैथ्स पढ़ा। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो बचा हुआ टाइम हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम को उसी तरह से करना है। टोटल जो होल है, टोटल नंबर जो उसने, टोटल आवर जो उसने स्टडी किया है, उसमें से हम उसका साइंस वाला जो टाइम है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ टाइम होगा वो मैथ का टाइम हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसका स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, टोटल टाइम स्पेंड ऑन स्टडी 3 whole 1/2 और टाइम स्पेंड ऑन साइंस 1 whole 1/2। सो टाइम स्पेंड ऑन मैथ्स, टाइम मैथ्स में कौन कितना टाइम स्पेंड किया, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। पहले इसको होल को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 3 2 6 7/2, 4 1 4 5/4। तो अब जो टोटल नंबर है क्या हमारा है, 7, टोटल जो आवर है वो क्या है, 7/2 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 5/4 को, तो हमारा जो बचेगा वही आ जाए, जो आंसर आएगा वही होगा मैथ्स का टाइम, कि उसने मैथ्स कितना देर पढ़ाई करी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 2 2 4 होता है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 14, माइनस यहाँ पे 5 ही होगा क्योंकि यहाँ 4 है, तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, और यहाँ पर हमारा 4 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 होता है, और 1 रिमाइंडर बचता है, और 4 2 8 होता है, 2 whole 1/4 आवर जो है उसने मैथ्स की पढ़ाई करी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर गुप्ता हैज 15 whole 2/5 liter ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, उनके कार में इतने लीटर पेट्रोल हैं, ओके इतने लीटर पेट्रोल थे पहले, ठीक है। ही वेंट फॉर अ ड्राइव, वे ड्राइव पे गए, बाय द टाइम ही रीच्ड होम, जब वे घर वापस पहुँचे, ही हैड ओनली 2 whole 1/3 liter ऑफ पेट्रोल लेफ्ट, सिर्फ इतने ही लीटर पेट्रोल बचे, तो हाउ मच पेट्रोल वॉज यूज्ड, तो कितना पेट्रोल यूज़ हुआ। तो देखिए टोटल उनके पास इतना पेट्रोल था जब वे गए, और जब आए तो इतना ही बचा है, यानी कितना खर्चा हो गया उनका, तो जो बचा हुआ है इसको होल में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना बचा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इसका जो हमें स्टेटमेंट हमें इस तरह से लिखना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना हमारा 15 whole 2/5 liter है, और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लेफ्ट जो बचा है उसमें 2 whole 1/3 है, तो सो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल स्पेंट, कितना क्वांटिटी जो है उसमें खर्च हुआ। तो पहले इसको हम मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 और ये प्लस होकर के 77/5, और ये हो जाएगा हमारा 67/3 liter। ओके तो अब होल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसे, जो हमारा बचा हुआ है, तो कितना बचा है 7/3।
अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का, तो दोनों ही देखिए प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अब इसके और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये अब हमारा इसका दोनों को क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 77 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा जाएगा 231। और यहाँ हमारा माइनस, फिर यहाँ पे जब 3 से करेंगे तो 3 5 जा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35, और ये हमारा आ जाएगा कितना, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारा 196 बाय 15। अब इसे हम नेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड कर दिएगा आप, मैंने कर लिया है, तो मेरा जो डिवाइड करके आया वो कितना आया, 1, यहाँ तो 15 ही रहेगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 और 15 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना लीटर पेट्रोल उन्होंने खर्च किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस कुमार बॉट 2 whole 2x5 kg टमेटोज, 2 kg ऑनियंस एंड 1 whole 2x5 kg टमेटोज। तो इन्होंने इतना इतना खरीदा, ये सब सामान कितना, इतना पोटैटो खरीदा, इतना 2 kg ऑनियन खरीदा और इतना टमेटो खरीदा। फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल मिस्टर कुमार बहुत, तो ये तो बहुत ईजी है कि टोटल वेट कितना हुआ। तो इन सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है तीनों को। तो इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से होगा, वेट ऑफ पोटैटोज ये हो गया, वेट ऑफ ऑनियंस 2 kg, वेट ऑफ टोमेटोज इतना। तो पहले इसे हम सिंपल में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 5 to 10 टू 12 by 5 kg हो गया हमारा पोटैटोज, 2 kg हमारा हो गया ऑनियन, और 5 1 जो 5 और 2 7 7 by 5 kg क्या हो गया हमारा टोमेटोज। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 by 5 प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे और 7 by 5। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 5 1 और 5 का, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 से तो 5 1 बार में होगा तो 12 हो जाएगा हमारा, 1 से 5 बार में होगा तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 जो 10 प्लस में 5 से फिर 1 बार में, तो यहाँ पे 1 ही हो, 7 ही होगा। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे तो 12 और 10 हमारा हो गया 22 प्लस 7 29 by 5 kg। अब इसे हम नेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं 29 by 5 kg को, तो ये हमारा हो जाएगा 4, यहाँ 5 5 5 जो 25 और प्लस 4 29, तो इतना kg हमारा आंसर हो गया इसका, आपका टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 5 का। नेहा यूज्ड 1 whole 1x2 meter रेड रिबन, नेहा इतने मीटर रेड रिबन यूज़ करती है, इतने मीटर येलो रिबन यूज़ करती है और इतना मीटर वाइट रिबन यूज़ करती है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे पता लगाना है कि जो टोटल लेंथ ऑफ रिबन है उसने यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट में वो क्या है। तो देखिए हर कलर के रिबन्स को कितना कितना यूज़ किया, उन सबको ऐड कर दीजिए तो टोटल जो लेंथ है हमारा रिबन का वो आ जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ रेड रिबन, लेंथ ऑफ येलो रिबन और लेंथ ऑफ वाइट रिबन, इस तरह से लिख लेना है। लेंथ ऑफ रेड रिबन हमारा कितना है, 1 whole 1x3, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 1 whole 1x2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x2 meter। और येलो रिबन कितना है, 3x4 meter है, और वाइट रिबन हमारा कितना है, 1 meter है। अब तो टोटल लेंथ हमें निकालना है, 3x2 + 3x4 प्लस 1, इसके नीचे 1 लिख देंगे, 1 by 1 इतने मीटर। ओके, अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 1 का, तो एलसीएम हमारा 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस में यहाँ पे 4, इतने क्या हो गया, इतना मीटर है। तो चलो टोटल हमारा क्या हो गया, 13 by 4 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जो 12 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इतने मीटर टोटल रिबन उसने यूज़ किया है, तो ये आपका आंसर हो गया। और साथ ही ये वर्कशीट नंबर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।